बर्सा ऑफ फेब्रिकस ये एक ब्लाइंड सैक होता है ब्लाइंड सैक ऑन दी क्लोएका ऑफ द ब्लड्स जो बर्ड्स होती है उनके क्लोएका के अंदर ये ब्लाइंड सैक की तरह प्रेजेंट होता है और ये जो ऑर्गन है ये किससे कनेक्टेड है ये इन्वॉल्व होता है कुछ लिम्फोइड टिश्यूज से लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं इसके अंदर जो क्या बनाते हैं वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं और एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन से ये किस में हेल्प आते हैं ये हेल्प करते हैं फ़ाइटिंग अगेंस्ट बैक्टीरिया फाइटिंग अगेंस्ट जो कि बैक्टीरिया इनमें इन्वेड करते हैं उनके लिए तो हम बोलते हैं यहाँ पे फ़ाइटिंग अगेंस्ट इन्वेडिंग बैक्टीरियाज इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं इसको, है? इसको हम क्लोएकल थाइमस भी बोलते हैं ठीक है तो इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसके लिए इन्वॉल्वमेंट है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए तो एंटीबॉडीज कैसे प्रोड्यूस होंगी जब बी सेल की जनरेशन होगी तो हम बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ बी सेल तो अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे पहला ऑप्शन है जनरेशन ऑफ बेसोफिल्स बेसोफिल्स के जनरेशन से ये एसोसिएटेड है तो ये गलत है सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए ये भी गलत है थर्ड है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए ये भी गलत है और फोर्थ है यहाँ पे जनरेशन ऑफ बी सेल बी सेल के जनरेशन के लिए ये जो हमारा ऑर्गन है ये इससे एसोसिएटेड है तो ये करेक्ट है तो जो हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन डी जनरेशन ऑफ बी सेल ठीक है सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर